तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी का फोन है, वो जाहिर सी बात तो होगा क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, अगर आप उसमें कैमरे में फोटो खींचते हैं तो जैसे ही आप फोटो वहां पर क्लिक करते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे आपको वहां पर शटर की आवाज आती है, मतलब कि कैमरा क्लिक का साउंड आता है। ये आपने नोटिस करा होगा। और कुछ लोग तो बार बार इरिटेट भी होते हैं, कई ऐसी जगह पे होते हैं हमें पर फोटो खींचना है बट वहां पर हम जब क्लिक करते हैं तो फट से उसकी आवाज आ जाती है, तो सबको पता लग जाता है कि यार इन्हें फोटो खींची है। तो आज मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल का जो कैमरा साउंड है उसको ऑफ कर सकते हैं। ये क्या मेथड है और कैसे इसको यूज करेंगे आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल का जो कैमरे का साउंड है उसको ऑफ कर सकते हैं फोटो खींचते टाइम। जाए कैसे, आप देखेंगे मैं यहां पर कैमरे पे आ गया हूं और यहां पर मैं फोटो को क्लिक करता हूं, तो आप देख रहे होंगे आपको यहां पर आपको सुन रहा होगा शटर की आवाज आपको आ रही है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा शटर की आवाज आ रही है, बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें बहुत दिक्कत होती है बट वो फिर भी साउंड आ जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं, या बोल सकते हैं दो तरीके बताने वाला हूं, जिनको अगर आप दोनों में से कोई भी स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप उस साउंड को ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है कि आप यहां पर वॉल्यूम पैनल को दबाइए, यहां जाइए थ्री डॉट्स पे और यहां पर आपको सिस्टम का साउंड मिलेगा, आपको उसको ऑफ कर देना है। उसको ऑफ करने के बाद यहाँ पर कैमरे पे जाएंगे तो आप यहाँ पर खोलेंगे तो आप यहाँ पर फोटो क्लिक नहीं होनी वाली। बट इसमें एक दिक्कत यह है कि सिस्टम से रिलेटेड अगर आपने बंद कर दिया तो कोई भी आपके सिस्टम के जो भी साउंड है वो सब बंद हो जाएंगे अगर आप उसको बार बार वॉल्यूम को अप करना ना भूल गए। तो आपको मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ जो कि मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, वो फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस फीचर का ऑप्शन, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिक्सबी रूटीन्स, आपको उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आपको एक रूटीन को सेट करना है, तो यहां पर आपको क्लिक करना है ऐड रूटीन पे। ऐड रूटीन पे करने के बाद आपको इफ पे क्लिक करना है। यहां पर आपको करना है नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आएगा ऐप ओपन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप ओपन पे क्लिक करेंगे यहां पर आपसे एप्स पूछ लेगा कौन सी ऐप के लिए, तो मैंने यहां पर कर लिया कैमरा, या फिर जो भी आप एप्स कैमरे की जिसपे साउंड की आपको दिक्कत हो आप उस ऐप को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने कर दिया डन। डन करने के बाद अब देन क्या हो, अब मेरे को यहां पर चाहिए साउंड पे, मैंने यहां पर क्लिक कर लिया। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक, उस क्लिक करने के बाद अब मैंने यहां पर करा साउंड वाले पे क्लिक, अब यहां पर कर दिया मैंने म्यूट और इसको कर दिया डन। अब क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट और इसको मैंने यहां पर इसको बना डाला। अब देखेंगे ये बन चुका है कैमरे नाम से। और अब देखेंगे आप मेरे मोबाइल का जो साउंड है अभी यहां पर साउंड पे, मतलब नॉर्मल पे। और जैसे ही अब मैं यहां पर कैमरे को ओपन करूंगा तो आप देखेंगे मेरा मोबाइल यहाँ पर म्यूट पे आ गया है, मतलब ऑटोमेटिक। और अब मैं जब भी फोटोज क्लिक करूंगा तो कोई भी वहां पर साउंड नहीं आने वाला। इवन मैंने यहाँ पर सिस्टम का जो साउंड है यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फुल भी कर दिया हो तो भी मैं कैमरे पे जाके अगर इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कैमरे का साउंड नहीं आने वाला। मतलब कि जब तक मैं कैमरे पे रहूंगा मेरा मोबाइल यहाँ पर ऑटोमेटिक म्यूट पे चले जाएगा। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक म्यूट पे चला गया है। और जैसे ही मैं कैमरे से बाहर आऊंगा और ऊपर जाऊंगा आप देखेंगे वापस साउंड पे आ गया है। मतलब कि आपको बार बार टेंशन ही नहीं कि जब भी कैमरे पे जाओ कि आपको म्यूट करना पड़े या फिर वॉल्यूम साउंड कम करना पड़े, सिंपली वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। जब भी आप कैमरे पे जाएंगे ऑटोमेटिक उसको वो म्यूट पे डाल देगा और जैसे ही आप कैमरे से बाहर आएंगे वापस आपको साउंड एंड वाइब्रेट पे कर देगा। तो ये फीचर सबसे बेस्ट है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि ये आपको पहले पता था या नहीं था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो कुछ कमेंट में डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बोले ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।